नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में। मैं हूँ आंचल गुलाटी कुंभ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथी होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। गुजरात के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे संबोधित। बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल है उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के दो दिन के दौरे पर, पूर्णिया में जनभावना रैली को करेंगे संबोधित। किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। यूक्रेन के चार क्षेत्रों के लिए रूस का आज से जनमत संग्रह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के नए सैन्य अभियान को बताया उसकी सेना के पतन का संकेत। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का किया आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के तत्काल समाधान पर दिया जोर। नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। तेज गेंदबाज बुमराह के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के वीडियो संबोधन को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। सहकारी संवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर हमेशा जोर दिया है। पीएम मोदी टीम इंडिया की भावना के साथ देश के विकास के सफर को आगे बढ़ाने पर बल देते रहे हैं। शुक्रवार को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन इसी दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। राज्य के नीति निर्माताओं के साथ मंथन, उन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के पीएम के निरंतर प्रयासों की ही एक कड़ी है। ऐसे ही कुछ हालिया कदमों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य साइंस कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया था। 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में मुख्य सचिवों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने देश के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन पर चर्चा की। 30 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कोरोना काल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार चर्चा और स्थिति की समीक्षा भी पीएम मोदी के टीम इंडिया के नजरिए की वानगी है। इसके साथ साथ किसानों की आय, महिला विकास, संस्कृति, खेल और ई गवर्नेंस जैसे विषयों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी प्रधानमंत्री लगातार शामिल होते रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। अरुण, सुप्रभात आपको। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से सहकारी संवाद को बढ़ावा देते हुए किस तरह से पर्यावरण
को बचाते हुए, प्लास्टिक को ना कहते हुए आज प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है? गुड मॉर्निंग आंचल और चंद्रशेखर, आपको देखिए एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं जो कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसको एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस बात इसके अंदर ये है कि सेंटर और स्टेट का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके एनवायरनमेंट को लेकर के, इस बात पर पूरी तरह से फोकस रखा जाएगा। हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स किए हुए हैं, अब जैसे कि 2070 तक कैसे भारत कार्बन न्यूट्रल हो सके, हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी को कैसे 2030 तक ऑलमोस्ट हाफ कर सके यहाँ से आगे जाते हुए, और भारत ने कई सारे ग्लोबल एग्जाम्पल सेट किए जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया, उसमें एक लीडरशिप रोल निभाया है, और साथ ही साथ ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिखाता है कि भारत किस तरह से कमिटेड है कि यू नो एनवायरनमेंट को लेकर के हमें आगे चलना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाइफ नाम का एक मंत्र भी दिया है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लेकर के, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर काफी अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है वो सेंटर और स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन को लेकर के आती है। तो ये जो दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस बात यह है कि इसमें सेंटर और स्टेट्स कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सके एनवायरनमेंट को लेकर के, उस पर फोकस रहेगा। दूसरा कि स्टेट्स और सेंटर की जो अप्रोच होती है एनवायरनमेंट को लेकर कई बार वो अलग अलग हो जाती है, तो कैसे ये अप्रोच इंटीग्रेटेड हो सके, तो इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर कोई और पॉलिसी बना रही है और स्टेट्स जाकर के उनकी कोई एक अलग अलग अप्रोच है एनवायरनमेंट को लेकर के, इस बात पर फोकस रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 6 सेशंस को इसमें डिजाइन किया गया है जिस पर इसमें बातचीत होगी, सब जिसमें कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, फॉरेस्ट्री कवर को बढ़ाना हो गया, इस तरह के जो 6 सेशंस को रखा गया। लेकिन सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो सेशन रहेगा वो परिवेश नाम की थीम है जो कि थर्ड सेशन माना जा रहा है। इस सेशन के अंदर कि कैसे जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कैसे एक साथ चल सके, इस बात पर फोकस है। तो जो ग्रीन इनिशिएटिव्स जो प्राइम जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस मिलते हैं उसमें कैसे सिंगल विंडो को आप एक कैसे इंटीग्रेट कर सके, यानी कि सेंटर के पास फिर स्टेट्स के पास किसी भी बिजनेस हाउसेस को ना जाना पड़े, एक ही जगह पर जाकर तमाम एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस मिल जाए, इस बात पर फोकस है। इस चीज का एक रोड मैप डिजाइन करने की बात की जाएगी स्टेट्स और सेंटर द्वारा, इस बात पर फोकस रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब लक्ष्य ग्लोबल होते हैं तो फोकस एक तरह से स्टेट और सेंटर को एक तरह से मिलकर के आगे आना पड़ता है, और ये एक तरह से आप इसमें क्या टीम इंडिया की अप्रोच देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एनवायरनमेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अरुण, जब हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो उसमें केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और प्रधानमंत्री की अगर हम भूमिका देखें तो प्रधानमंत्री ने, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री केंद्र और राज्यों के बीच में एक अच्छा समन्वय हो इसके लिए विभिन्न विषयों पर पहले भी इस तरह की बैठकें करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो केंद्र और राज्यों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का जो नेतृत्व है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही जरूरी है जहां तक टीम इंडिया की बात आती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की बात आती है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है जिसमें हर स्टेट अलग अलग चैलेंजेस को फेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिहाज से माइनिंग जैसे इश्यूज होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। वैसे अगर आप महाराष्ट्र जैसे यू नो क्षेत्र की बात करें या फिर गुजरात की बात करें जहाँ पर एक तरह से फॉरेस्ट कवर जो होता है उसको इंटैक्ट रखना बहुत बड़ा इशू होता है। आप अगर साउथ की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उड़ीसा भी चले जाए, बंगाल भी चले जाइए ईस्टर्न साइड पे, तो वहाँ पर कोस्टल एरियाज यानी कि जो आपका जो ओशियनिक कवर है या जो कोस्टल एरियाज है वहां पर इंटैक्ट रखना बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत ही व्यापक इशू है। आपके ओशियंस को इंटैक्ट रखना, प्लास्टिक को एक तरह से लगाम लगाना, पोल्यूशन को कहीं ना कहीं कम करना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देना, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की बात करते हैं वहां पर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे अभी हाल ही में चीता को वहां पर लेकर के आया गया कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर। तो हर स्टेट्स के अपने अपने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे इंटीग्रेट करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर की जा सके, इस बात पर इस कोऑपरेटिव। अरुण, एक नया टर्म जो हम और आप लगातार हम सुन रहे हैं वो है कि कैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी आपको अपनी आदतों के साथ साथ अपने आचार विचार में भी तब्दीली लानी होगी ताकि हम पर्यावरण को कुछ दे पाएं और आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कुछ छोड़कर जा पाएं। क्या इस पर भी आज मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल आंचल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर इस कमिटमेंट को किया, लाइफ नाम का मंत्र दिया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अप्रिशिएट किया गया लाइफ नाम का मंत्र, ठीक है, लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसकी अब भारत किस तरह से इस मोर्चे पर लीड कर सके, एनवायरमेंट के लिहाज से कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रख सके, और स्टेट्स में जो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसको कैसे लेकर के आया जा सके, इस बात पर फोकस बिल्कुल साफ तौर पर रहता हुआ देखा जाएगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आपसे तो आगे भी आज पूरे दिन इस खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा होगी। गृह मंत्री आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और अमित शाह के बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से खास बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने, आइए सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर शुक्रवार को पहुंचेंगे और हमारे साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मुद्दे पर बातचीत के लिए सीमांचल में है, पूर्णिया में है। क्या कहेंगे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में? माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा है। जन भावना महासभा को संबोधित करेंगे, फिर यहाँ से किशनगंज जाके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ विभागीय समीक्षा भी करेंगे। और अद्भुत का उत्साह है जन भावना महासभा में पहुँचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी विधायक मंत्री सांसद, समझे ना, इस क्षेत्र में मौजूद हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह पहली मेगा शो होगी सीमांचल के। भाई यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम एक रूटीन कार्यक्रम होता है। नीतीश जी तो खुद अपने को समाप्त कर लिए हैं। गुंडा राज जो बिहार में स्थापित किए थे 15 वर्षों में, उनके गोद में जाकर बैठकर आप देखिए हाशिए पे आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम संघर्ष करेंगे, जनता एकजुट है, जनता के ताकत के सामने कोई गुंडा राज नहीं चलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो सीमांचल और कोसी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए दिन रात मशक्कत भी कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पूर्णिया, बिहार। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं, सड़कों पर जलजमाव से यातायात मुश्किल में है। सड़कों और गलियों में जलजमाव से आवाजाही में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अंदेशा जताया है। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जगह जगह सड़कें जलमग्न है, वहीं गाड़ियों की लंबी कतार ने जाम की स्थिति पैदा कर दी है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। और बात करते हैं आज ही के दिन की, जहां भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी। गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी इस योजना को 4 साल पूरे हो गए। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की। अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 949 हेल्थ पैकेज है, जिनमें से 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पतालों में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका। इससे गरीबों के करीब 50,000 करोड़ रुपये खर्च होने से बचे। करोड़ों लोगों को किडनी और फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिला। साथ ही 23 लाख कैंसर मरीजों की जांच और 25 लाख महिलाओं को और 7 लाख हृदय रोग से जो मरीज थे ग्रसित, उन्हें मुफ्त इलाज मिला है। तो योजना से करीबन 25,000 से ज़्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़े। 4 करोड़ गरीबों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, इस योजना की हम बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी खर्चे पर चलने वाली पब्लिक हेल्थ स्कीम है और 4 साल इसको पूरे हो चुके हैं। आप लगातार जब से ये योजना शुरू हुई है आप देखते रहे हैं कि किस तरह से योजना चली है और समय समय पर इस योजना में सुधार भी किए गए हैं। 4 साल बाद इस योजना की सफलता को आप किस तरह से बयां करेंगे? देखिए, 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, और आज 4 साल बाद बहुत कुछ बदला है। 20 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनका आईडी बन गया है, जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बोलते हैं इसको, वो बन गया है। उसके अलावा करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां हो, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो या दिल से, लंग्स, फेफड़े से जुड़ी बीमारी हो या फिर कैंसर हो या फिर जो दूसरी हृदय से रोग से जुड़ी बीमारी हो या फिर नी ट्रांसप्लांट, घुटने का प्रत्यारोपण हो, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज गरीबों को हो रहा है। वो गरीब जो कभी सोच नहीं सकते थे कि जो चमचमाती अस्पताल जिसको 5-स्टार अस्पताल बोलते हैं, निजी अस्पताल, वहां जा करके इलाज करा सके, कभी वो सपने में सोच नहीं सकते थे, वो संभव हो सका है इस योजना के तहत। तो आप सोचिए कि गरीब व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है और उसको इतने महंगे इलाज वो कैसे करा पाएगा, तो ये योजना उसको संभव किया है और आज करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और समय समय पर निश्चित तौर पर बदलाव किया गया है इसमें। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर जो जनसंख्या है, करीब करीब 5 लाख उनकी जनसंख्या है, उनको भी इस योजना के दायरे में लाया गया है, क्योंकि उनको एक व्यक्ति एक परिवार के रूप में उनको शामिल किया गया है। और एक बहुत बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना गया है कि जो ट्रांसजेंडर से जुड़े तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। साथ ही साथ हर घर आयुष्मान एक तरह से दस्तक दिया गया, जहां पर घर घर जाकर के आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था। और इसके इस अभियान के तहत पिछले 2 साल में काफी नए कार्ड बने, नए जो लोग अभी बच गए थे कार्ड बनाने से उनको इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा
इसमें जो 25,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ गए हैं और 1900 से ज्यादा जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमें आम जीवन में जरूरत पड़ती है इलाज की, उनको शामिल किया गया है ताकि छोटी छोटी बीमारी भी इसमें कवर हो और गरीब को कोई परेशानी ना हो, सीधे वो जाए और अस्पताल में इलाज कराए, भर्ती हो और इलाज कराए, मुफ्त में इलाज हो, कोई पैसा उनको नहीं लगे। साथ ही साथ जो अस्पतालों को जो पैसा की जो बात है कि उनको समय पर पेमेंट होता है सरकार की तरफ से, उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है, ये भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है, जो आयुष्मान कार्ड है उसमें पहले क्या था कि सिर्फ केंद्र सरकार की जो योजना थी उसको ही उस कार्ड में मेंशन था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार जो अपनी अगर स्वास्थ्य की कोई योजना चला रही है तो उसी एक कार्ड में उसमें दोनों केंद्र और राज्य के दोनों का लोगो भी होगा और एक ही कार्ड से केंद्र सरकार की जो ये योजना है, साथ ही साथ अगर राज्य सरकार अलग से अपना कोई योजना चलाती है तो भी एक ही कार्ड से इलाज हो सकेगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है और आज शाम करीब 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री कुछ बेनिफिशियरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे और उनके जो अनुभव है उसको साझा करेंगे। नितिन, हम जानते हैं कि लगातार किफायती जो इलाज है और गुणवत्तापूर्ण इलाज, उसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है कि जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीबन 25,000 के आसपास जो निजी और सरकारी अस्पताल है वो शामिल है, आगे की राह क्या, किस तरह से इसमें और अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, टेस्ट लैब्स की अगर बात की जाए उनको कैसे शामिल किया जाएगा, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप सरकार तैयार करेगी आने वाले सालों में? देखिए, इसके लिए दो पहलू पे बात हो रहा है। एक तो जो अभी 20 करोड़ से ज्यादा कार्ड बना है और ये कार्ड की संख्या और बढ़ानी है क्योंकि करीब 50 करोड़ लोग इसके दायरे में हैं, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, एक तो ये है। इसके लिए एक तरह से टाइमलाइन रखा गया है कि अगले एक साल के अंदर 50 करोड़ लोगों के पास कार्ड पहुंच जाए। और दूसरी चीज है कि जो जितनी भी 25,000 निजी और सरकारी अस्पताल जुड़े हैं इसके दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है और अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल अगर जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, साथ साथ अस्पताल को भी फायदा होगा क्योंकि उनको एक मरीज मिलेगा, समय पर उनकी पेमेंट होगी और एक तरह से करप्शन फ्री और जो लीकेज की बात होती है लीकेज फ्री व्यवस्था किया गया है कि आपको सब कुछ एक तरह से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। एक व्यक्ति को कार्ड मिलता है, वो जाकर इलाज कराता है, समय पर अस्पताल को पेमेंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल और जो जांच की जो लैब है उनको भी इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। पारदर्शी ये व्यवस्था है और खासतौर पर कई बीमारियां जो किडनी और दिल से संबंधित होती हैं जिनका इलाज बहुत महंगा होता है, कहीं ना कहीं अब गरीबों की पहुंच उस तक सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गांव देहातों में शिक्षा को लेकर जो माहौल बनाया, वर्तमान मोदी सरकार उसे लगातार गति दे रही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिले नंदुरबार में किस तरह ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रोजेक्टर एवं डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे ये नन्हे मुन्हे बच्चे किसी मेट्रो सिटी के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के आदिवासी जिला नंदुरबार के एक सरकारी स्कूल के हैं। ये जिला राज्य के उन 4 जिलों में शामिल है जिन पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने विकास से वंचित रह गए देश भर के 112 जिलों को चिन्हित किया है जिन्हें फिर से विकास की राह से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग के माध्यम से जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुदान मिल रहा है। नीति आयोग ने जिले के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए स्कूलों को अनुदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण जिले के 384 प्राथमिक स्कूलों में नीति आयोग के माध्यम से सौर ऊर्जा सेट दिए गए हैं। सोलर पैनल के साथ साथ कई अन्य उपकरणों के माध्यम से विद्यालय को ऐसा स्वरूप दिया गया है जिससे बच्चों का स्कूल में खूब मन लगे ताकि वे बीच में ही पढ़ाई ना छोड़ें। यहाँ पर हमें नीति आयोग की तरफ से सोलर प्रकल्प के अंदर एक सोलर पैनल, दो बैटरी और एक सोलर इन्वर्टर मिला है जिसके इस्तेमाल से हम 8 LED ट्यूबलाइट और 4 फैन इस्तेमाल करते हैं। सुविधाओं की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है और उनकी पढ़ाई के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
विद्यालयों में आए परिवर्तन से बच्चों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास दिखने लगा है और वे भी इस परिवर्तन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर है, हम उसमें पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं। हमारे स्कूल में ट्यूबलाइट भी है और पंखा भी है। मानव विकास सूचकांक में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर नए नए प्रयोग कर रहा है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रूपरेखा भी इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों के चेहरे की रौनक का असर देश के मानव विकास सूचकांक में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आपको अब कुछ दुनिया भर की खबरें दिखाते हैं। और दुनिया भर की खबरों में बात कर लेते हैं यूक्रेन को लेकर, जहां चार क्षेत्रों के लिए रूस में आज से जनमत संग्रह शुरू हो रहा है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसान और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। रूस नियंत्रित यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने रूस का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क संयुक्त रूप से डॉनबास इलाके का बड़ा हिस्सा है, जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे प्राथमिक आधार बनाया। उधर यूक्रेन ने जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। भारत ने आतंकियों को ब्लैक लिस्टिंग से बचाने के प्रयासों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कारणों से आतंकियों को जवाबदेही से बचाने को गलत बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट का फौरी तौर पर हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण हल की भारत की मांग को भी दोहराया। is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. और न्यूयॉर्क में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक पुस्तक चर्चा में भाग लिया। अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री ने इस आयोजन के लिए इंटर अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण की कोई सीमा नहीं, ये विशेष रूप से न्यूयॉर्क में मजबूत है, जिसने 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और जर्मनी के विदेश मंत्री
एनालेना बेयरबॉक को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के अपने समकक्ष निकोस डेंडिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो जो अपने पराग्वे के समकक्ष है उनसे बात की। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालडोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री निकू पोपसुगु से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने गंगा अभियान के दौरान उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तार करने के लिए उनके उत्साह की भी सराहना की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड कैसाबोन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत और मेक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मजबूत भागीदार हैं। वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर ब्रिक्स की एक बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशेष रूप से सुधारित बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और नलेदी पंडोर को ब्रिक्स की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई। भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दे रहा है। लेन देन के डिजिटल तरीके रेल यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बना रहे हैं। ई कैटरिंग सेवा वर्तमान में 310 रेलवे स्टेशनों पर 1755 सेवा प्रदाताओं और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध है, जो प्रतिदिन औसतन 41,844 भोजन की आपूर्ति करती है। 596 ट्रेनों में 3,081 POS मशीनें उपलब्ध हैं और 4,316 स्थिर इकाइयां POS मशीनों के साथ उपलब्ध हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया। इस प्रकार REC को संचालन और वित्तीय मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया। वर्ष 1959 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC है, जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Hey girls! Hey, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी। Yeah! चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गाइडेड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज फुली कमिटेड टू डिजिटाइज आयुष सेक्टर for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister.
और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के सामने सीरीज में बने रहने की चुनौती है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए नागपुर का ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है, लेकिन जीत के लिए टीम इंडिया को कई क्षेत्रों में सुधार की दरकार है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है नागपुर में टी20 में टीम इंडिया का रिकॉर्ड और कहां टीम को मेहनत करनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को इस मैदान पर टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के इरादे के साथ उतरेगी। भारतीय टीम को पहले मैच में 4 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। मैन इन ब्लू अगर इस मैच को नहीं जीत पाते हैं तो टीम के हाथ से सीरीज निकल जाएगी। नागपुर के मैदान पर भारत के रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 6 साल से यहां कोई टी20 मैच नहीं हारा है। टीम इंडिया नागपुर में 5वीं बार टी20 मैच खेलने उतरेगी। भारत ने पिछली बार नागपुर में 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, तब भारतीय रनबांकुरों ने 30 रन से मैच को अपने नाम किया था। नागपुर में अब तक खेले गए 4 मैचों में भारतीय टीम को 2 में जीत मिली है, वहीं 2 मुकाबलों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम इंडिया नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार खेलेगी। भारत को नागपुर में पिछली हार 15 मार्च 2016 को मिली थी, तब न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 के मुकाबले में भारतीय टीम को 47 रन से हराया था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 79 रनों पर ढेर हो गई थी। उस हार के बाद से भारत ने यहां एक भी मैच नहीं गंवाया है। गेंदबाजी टीम इंडिया की कमजोर कड़ी बन चुकी है, जिसे पार पाने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी को काम करना होगा। पहले मैच में 200 से ज्यादा का लक्ष्य भी भारतीय गेंदबाज बचाने में असफल रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरे टी20 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। गौरतलब है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हुए थे, इसलिए वो मोहाली में नहीं खेले थे। बुमराह के प्लेइंग 11 में आने से भारत की डेथ ओवर में ज्यादा रन खाने की समस्या खत्म हो सकती है। नागपुर टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने कई अहम मौकों पर कैच छोड़े। भारतीय टीम को अगर सीरीज बचानी है तो पूरे दमखम के साथ विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना करना होगा और जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाना होगा। इस सीरीज में अगर भारत जीत हासिल करता है तो आगामी विश्व कप में टीम इंडिया के लिए ये काफी मददगार साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और टेनिस जगत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर आज देर रात अपने करियर का अंतिम मुकाबला खेलने के लिए कोच पर उतरेंगे। पिछले सप्ताह संन्यास का ऐलान करने वाले फेडरर अपना अंतिम मुकाबला लेवा कप में खेलेंगे, जहां वो टीम यूरोप की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। वे अपनी आखिरी मैच में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाकर पुरुष युगल में उतरेंगे। फेडरर और नडाल का मुकाबला टीम वर्ल्ड के खिलाड़ी अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक साक से होगा। फेडरर अपने पिछले पेशेवर मैच में पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकेज के खिलाफ विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। वे घुटने की समस्या के कारण लंबे समय तक नहीं खेल पाए। फेडरर ने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, जिनमें 8 विंबलडन खिताब हैं। उन्होंने 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। और आइए अब बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। और हेरिटेज वॉक में आइए आपको लिए चलते हैं स्वर्ग। जी हाँ, आज आपको दिखाते हैं कश्मीर में मौजूद बेहद सुंदर मॉर्गन टॉप। भारत का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में सैकड़ों ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, लेकिन मॉर्गन टॉप के नज़ारे इसको बाकी चोटियों से अलहदा बनाते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर अपनी मनमोहक नज़ारों और चमचमाती झीलों से सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। कश्मीर की शीतल आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी इसमें अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती है। कश्मीर की इन्हीं खूबसूरती में 4 चांद लगाता मॉर्गन टॉप दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वत चोटियों में से एक है।
मरगन टॉप की सुरम्य और अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने के लिए देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा रहता है। पर्यटक यहाँ की मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता को देख हतप्रभ रह जाते हैं। पहाड़ की चोटियां हरी भरी घाटियों और रंग बिरंगे फूलों से इसकी सुंदरता और भी आकर्षक हो जाती है। यहाँ की झील के झिलमिलाते जल को निहारना अत्यंत सुखद अनुभूति देता है। मरगन टॉप के मनमोहक वातावरण में सूर्योदय और सूर्यास्त के सुनहरे नजारे को निहार कर प्रकृति की खूबसूरती पर्यटकों का दिल जीत लेती है। और आइए अब बात करते हैं विज्ञान जगत की। तो साइंस हब में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवियरेंस रोवर की। नासा द्वारा भेजा गया ये रोवर लाल ग्रह पर जीवन और पानी के अवशेष खोज रहा है, यानी मंगल ग्रह की हम बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये रोवर मंगल ग्रह के क्या नए रहस्य जो हैं उन्हें उजागर कर पाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मंगल ग्रह पर 18 महीने पहले शुरू किए गए परसिवरेंस रोवर मिशन से ग्रह पर कार्बनिक पदार्थों के कुछ नमूने मिले हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक जेजेरा क्रेटर, जो पहले एक झील और नदी हुआ करता था, वहां ये खोज हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन नए नमूनों से ये निर्धारित होगा कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। नए मिले कार्बनिक पदार्थ से ये संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ 3.5 अरब साल पहले संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण रहा होगा। अब तक रोवर ने 12 पत्थरों के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। नासा के अनुसार कई परत वाली चट्टान मिलने से मंगल ग्रह के पर्यावरण की कहानी समझने में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। हर साल 23 सितंबर को एक सप्ताह तक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल 23 सितंबर से एक सप्ताह तक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है दिव्यांगों को। ये दिवस एक प्रयास है सांकेतिक भाषाओं के प्रति जागरूकता जगाने और प्रचार के जरिए इसके प्रसार को जन जन तक पहुंचाने का। सांकेतिक भाषा है क्या? दुनिया में जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग जो बोल या सुन नहीं सकते, वो अपनी बात करने के लिए अपने हाथों और चेहरे के हाव भाव की मदद से बात करते हैं। इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का अपना व्याकरण और नियम है। दिव्यांगों को समाज के अंदर गौरव और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार देता है, इसलिए इसका विकास और प्रचार प्रसार अहम है। यही कारण है कि सितंबर का पूरा अंतिम सप्ताह इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के रूप में मनाया जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के इतिहास पर। 135 राष्ट्रीय संघों के संघ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने सबसे पहले इस दिन को मनाने का सुझाव दिया। ये संगठन दुनिया भर में 70 मिलियन दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करता है। 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना हुई थी। पहली बार 2018 में दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में इस दिवस को मनाया गया। दिव्यांगों के लिए ये सप्ताह पहली बार सितंबर 1958 में मनाया गया था, जो एक वैश्विक रूप लेता जा रहा है। सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक प्रमाण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो के क्रेटिलस में है। 1620 में
जुआन पाब्लो बोनेट ने मैड्रिड में मूक बधिर लोगों के संवाद को समर्पित पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसके बाद 1680 में जॉर्ज डालगोर्नो ने भी एक ऐसी ही पुस्तक प्रकाशित की। 1755 में अब्बे डी लिपी ने पेरिस में बधिर बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। 19वीं सदी में अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में भी अनेक ऐसे स्कूलों की स्थापना की शुरुआत हुई। क्यों 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का चयन 23 सितंबर को इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ का गठन किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अनुसार पूरी दुनिया में 72 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। 80% से अधिक बधिर लोग विकासशील देशों में रहते हैं और 300 से अधिक सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें सिने जगत से। सिनेमा इस हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे देशभर में आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय सिनेमा दिवस की। इस अवसर पर हम हिंदी सिनेमा के 100 सालों से भी लंबे इतिहास पर नजर डालेंगे। भारत में सिनेमा का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। इस दौरान हिंदी सिनेमा ने कई बड़े पड़ाव पार किए। खर्च की तरह इस फिल्म को भी प्रसिद्धि मिली। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर समय है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की कुछ बेहद खास फिल्मों को याद करने का। इस कड़ी में सबसे पहला नाम दादा साहेब फाल्के की बनाई गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र का आता है। यह एक मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में मौजूद हरिश्चंद्र की कहानी से प्रेरित थी। दादा साहेब फाल्के ने इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका जैसे अलग अलग देशों से फिल्म बनाने के लिए उपकरण जुटाकर इसे बनाया था। इसी वजह से दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल हुआ। इस कड़ी में आलमारा भी एक बेहद खास फिल्म मानी जाती है। सन 1931 में आई ये फिल्म देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म से भारतीय फिल्मों में संगीत की शुरुआत हुई। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे। इस फिल्म का गीत दे दे खुदा के नाम पर भारतीय सिनेमा का पहला गीत था और इसे अभिनेता और गायक वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। उस समय भारतीय फिल्मों में पार्श्व गायन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए इस गीत को हारमोनियम और तबले के संगीत की संगत के साथ सजीव रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म को अर्देशिर ईरानी ने निर्देशित किया था। भारत की आजादी से पहले बनने वाली कई फिल्मों में देश के लोगों को उनकी समस्याओं से रूबरू कराने और अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने वाली कहानियां देखने को मिलती हैं। फिर आजादी के बाद आने वाली फिल्मों में मदर इंडिया पहली ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इसे बेस्ट फिल्म इन फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। आ जाओ, नीचे आके रोटी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। जरा देर हो गई, कंडे जली नहीं रहे थे। अरे ले आई होगी कहीं से भीख मांग के। हालांकि एक वोट सीट चूकने के चलते मदर इंडिया को ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन ये फिल्म भारतीय फिल्मों के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ।1950 और 60 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। साल 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी। यह अपने समय में बनी भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में 16 साल का लंबा समय लगा था। इसी मेहनत और खर्च की तरह इस फिल्म को प्रसिद्धि भी उतनी ही मिली। के आसिफ द्वारा निर्मित और निर्देशित मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे कलाकारों ने काम किया था।
वहीं संगीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और बड़े गुलाम अली खान जैसे गायकों ने अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिर 1970 के दशक में लोगों के मनोरंजन को केंद्र में रखकर ज्यादा फिल्में बनाई जाने लगी। इन फिल्मों ने सिनेमा जगत को नए सितारे दिए। कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जैसे और कई अन्य अभिनेता इस समय की फिल्मों में काम करके फिल्मी जगत के सितारे बने। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। साल 1975 में आई फिल्म शोले इस समय की सबसे प्रसिद्ध फिल्म उभर कर सामने आई। आज भी इस फिल्म के छोटे छोटे किरदार लोगों को जुबानी याद है। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए, निकल गई सब एक लेन की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहतरीन सफर है सिने जगत का। और आइए अब रुक करते हैं और बात करते हैं खूबसूरत पहल की गुड न्यूज इंडिया में। मार्केटिंग के इस दौर में आजकल हर कोई कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नफा नुकसान छोड़कर ऐसा कुछ करते हैं जिसकी मिसालें दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कैफ़े के बारे में बताते हैं जो आगरा में है। इस कैफ़े में खाना सर्व करने वाला स्टाफ बोल और सुन नहीं सकता, वो सिर्फ इशारों में बात करते हैं। तो ये एक दिलचस्प कैफे है, तो आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। आगरा में ताजमहल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये कैफे है ब्रेड एंड माइम कैफे। इस कैफे में आप जब जाएंगे तो यहाँ आपका स्वागत साइन लैंग्वेज से होगा। इससे आगे आप किसी से कुछ पूछें, उससे पहले यहाँ लगे बोर्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ का कुछ स्टाफ डेफ एंड डंब है, यानी ऐसे लोग जो बोल या सुन नहीं सकते। इस कैफे को एक शख्स ने शुरू किया है जो चेन्नई के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। नाम है तपस वशिष्ठ। कैफे का नाम ही ब्रेड एंड माइम है। माइम का मतलब होता है टू टॉक इन एक्शंस या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। वैसे ही हमारे यहाँ जो काम करते हैं व्यक्ति, वो लोग बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे हमारे यहाँ चार लोग हैं, टोटल स्टाफ 8 लोगों का है, और वो लोग हम सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। कैफे खोलने का सपना इनका काफी पुराना था, लेकिन मूक बधिरों को नौकरी पर रखने की बात इन्होंने कभी नहीं सोची थी। लेकिन मुंबई में हुई एक घटना ने इन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी। फिर आगरा में कैफे शुरू करने से पहले यूट्यूब पर साइन लैंग्वेज सीखी और कैफे का ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया। कैफे में आने वाले लोगों से ये स्टाफ आसानी से इशारों में एक दूसरे की बातचीत समझ सकता है। इसके लिए तपस ने एक खास सिस्टम बनाया है, जैसे हर टेबल का एक नंबर है। यहाँ बैठ कर कस्टमर जैसे ही स्विच ऑन करता है, रिसेप्शन पर बल्ब जलता है। इसके बाद मेन्यू कार्ड से लेकर बिल तक हर चीज बिना किसी रुकावट के इशारों में आसानी से होने लगती है। इस कैफे में पूरा सिस्टम सेट है। वैसे तो यहाँ 8 लोगों का स्टाफ है, पर उनमें से 4 लोग मूक बधिर हैं, जिन्हें यहाँ काम करके बहुत मजा आ रहा है। इस कैफे में आने वाले लोगों ने जिस तरह का रेस्पॉन्स दिया है, उससे तपस बेहद खुश हैं। आखिर जिस सोच के साथ उन्होंने ये कैफे खोला था, वो इसमें पूरी तरह से कामयाब है। अब इनकी योजना जयपुर में भी ऐसा ही एक कैफे शुरू करने की है। वहां पर भी इसी तरह का स्टाफ रखा जाएगा। ये लोग बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन अपने काम के लिए इनमें गजब का जज्बा है। एक आम इंसान से ज्यादा लगन और मेहनत से ये लोग काम करते हैं, और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। आने वाले कुछ दिनों में मूक बधिर एक लड़की भी इस कैफे को ज्वाइन करने वाली है, और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बहुत ही अच्छा प्रयोग है चंद्रशेखर। ये हमने यहाँ दिल्ली में भी कई कैफ़ेज़ हैं और कई ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पर इन्हें नौकरी करने का मौका दिया जाता है और वो अपनी बात संकेतों की भाषा से और आपका मन पढ़कर बहुत आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को इससे उत्साह भी मिलता है। और आइए अब हम मौसम की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त काफी बारिश हो रही है, तो आप जानना चाहेंगे कि आज का मौसम क्या रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। उसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देखें। इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर, जहां के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी उत्सव की कुछ खास झलकियां हैं। आप इन झलकियों का लुत्फ उठाइए, हमें दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। मुलाकात होगी सोमवार। नमस्कार। Need it.